Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel, Make the World, the world of mechanical engineering contents. Today, we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. We were discussing about the introductory portion. Our introductory part of non-ferrous metals, we had discussed about the specific properties of tin, copper, brass, bronze, gold, silver and platinum. So we will continue this topic. Now we are going to concentrate on copper, brass and bronze. Copper has been used in various applications for centuries. So here, if we talk about the copper, brass and bronze, copper has been used in various applications for centuries. It generally finds application requiring the high thermal and electrical conductivities. For example, the thermal conductivity of copper is almost 10 times greater than the ordinary steel. Therefore, it finds use as kitchen products, wiring and electrical applications, as well as piping and tubings and other such uses. Alloy of copper and zinc are termed as brass. यहाँ पे एक important point है, देखो brass कहाँ से आया है? Brass is the alloy of copper and zinc. दोनों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं? कॉपर और जिंक के मिक्सचर को बोल रहे हैं हम लोग ब्रास बोल रहे हैं. जिंक इज एडेड टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द अलॉय. देयर आर मेनी फॉर्मूलाज फॉर ब्रासेस व्हिच इंक्लूड अदर अलॉयिंग एलिमेंट्स देन कॉपर एंड जिंक. ब्रास इज यूज्ड इन डेकोरेटिव मेटल प्रोडक्ट्स, कार्ट्रिज केसेस, पाइपिंग एंड ट्यूबिंग and many of the same application as copper. तो ये जो brass है, brass बहुत अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल में आता है. और brass किसको बोल रहे हैं हम लोग? एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर copper और zinc दोनों चीज़ें मिक्स की गई है, उस मिक्सचर को हम लोग बोल रहे हैं brass. अब यहाँ पे brass के बने हुए बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बैंड वाले लोग आते हैं ना, उनके अंदर उनके पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन ब्रास के बने हुए होते हैं. तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या ध्यान में रखने वाला है. सबसे पहले ये याद रखो कि ब्रास किसको बोल रहे हैं. ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, पहली चीज ये होगी. अब ब्रास कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? डेकोरेटिव एलिमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है. डेकोरेटिव मेटल के जो डेकोरेटिव पार्ट्स आते हैं, जैसा कुछ स्टेच्यूज वगैरह है, वो बनाने के लिए ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपने देखा होगा ना, मेटल के स्टेच्यूज जो रोड पे लगाते हैं ना स्टेच्यूज, तो वो स्टेच्यूज मैक्सिमम आपको ब्रास के बने हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो कैसा होता है, सॉफ्ट और डक्टाइल होता है. उसके अंदर सफिशियंट स्ट्रेंथ भी होती है, साथ ही साथ डक्टाइल होने के बावजूद उसमें इट पॉजिसेस सफिशियंट स्ट्रेंथ. के स्टेच्यूज बनाने के लिए ब्रास का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? स्टेच्यू बनाने में ब्रास का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रास एक सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से उसको किसी भी शेप में, किसी भी इंट्रिकेट शेप में डिफॉर्म करना आसान हो जाता है. तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, हॉर्स होता है उसमें, या जो भी जो है एक स्वॉर्ड होती है उसमें, है ना, या जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, जैसा भी शेप आपको बनाना है, तो वो शेप आसानी से दिया जा सकता है. ऐसा शेप क्या किया जा सकता है? आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ब्रास वाला, वो सॉफ्ट और डक्टाइल है. अब सॉफ्ट डक्टाइल है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ भी नहीं है. एज कम्पेयर, अभी कॉपर भी तो सॉफ्ट और डक्टाइल ही था, तो हमने प्योर कॉपर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया स्टेच्यूज बनाने में? उसके साथ जिंक को क्यों ऐड किया? जिंक को ही एडेड किया गया है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है. जिस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं गोल्ड का एग्जांपल, तो गोल्ड के अंदर भी कॉपर को ऐड किया जाता है, बिकॉज प्योर गोल्ड इज वेरी मच सॉफ्टर एंड डक्टाइल इन नेचर.
प्योर गोल्ड अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, तो उसके जो भी ऑर्नामेंट्स या फिर जो भी ज्वेलरीज उसके बनाएंगे तो उस पर अगर छोटा मोटा भी अगर फोर्स पड़ जाता है या जोर से हाथ भी लग जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा या उसके ओरिजिनल शेप से वो जो है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा वहां। उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसमें कॉपर ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे वही सेम फेनोमेनन है, कॉपर भी सॉफ्ट और डक्टाइल है, बट कॉपर से ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल कौन है, कॉपर से ज्यादा जो है हार्ड कौन है, जिंक है। इसलिए जिंक इसमें ऐड किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिंक इसलिए इसमें ऐड किया जा रहा है। अब जैसा गोल्ड का एग्जांपल देखते हैं तो गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल है, उससे थोड़ा सा हार्ड कौन सा है, कॉपर है। कॉपर से थोड़ा सा हार्ड कौन सा है, जिंक। इस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई है। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, डेकोरेटिव मेटल पार्ट्स बनाने के लिए, कार्ट्रिज केसेस बनाने में, पाइपिंग्स और ट्यूबिंग्स बनाने में। जैसा हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था, डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, ठीक है, इन सारे को पास करवाना है पाइप्स के अंदर से, तो उन सारी जगहों पर कॉपर के बने हुए पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द ब्रोंज। अब ब्रास देख लिया हमने, ब्रोंज के बारे में, व्हाट इज ब्रोंज। सो ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड एनी अदर मेटल। एज विद ब्रासेस देयर आर मेनी फॉर्मूलाज फॉर ब्रोंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। एल्यूमिनियम ब्रोंज होता है, टिन ब्रोंज होता है, फॉस्फोरस ब्रोंज होता है, निकल ब्रोंज होता है, सिलिकॉन ब्रोंज होता है, ठीक है। तो ब्रास में क्या कर रहे थे हम लोग, जिंक और कॉपर ऐड कर रहे थे तो ब्रास मिल रहा था, ब्रास हमको मिल रहा था। लेकिन ब्रोंज हासिल करने के लिए ऐसा हम लोग लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये ही दो एलिमेंट बनाएंगे, डालेंगे, ऐड करेंगे तो ही ब्रोंज मिलेगा। ब्रोंज के लिए जो है हमारे पास वाइड रेंज है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स भी अगर हम ऐड करते हैं कॉपर के साथ तो उसको ब्रोंज ही बोला जाएगा। अभी जो भी अलॉइंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो उस वाला ब्रोंज बोला जाए। जैसा हम कॉपर के साथ अल्यूमिनियम को ऐड करें तो अल्यूमिनियम ब्रोंज कहा जाएगा। अगर हम कॉपर के साथ सिलिकॉन ऐड करें तो सिलिकॉन ब्रोंज कहा जाएगा उसको। अगर हम कॉपर के साथ टिन ऐड करें तो टिन ब्रोंज कहा जाएगा उसको। अगर हम कॉपर के साथ फास्फोरस ऐड करें तो उसको फास्फोरस ब्रोंज कहा जाएगा। अगर हम कॉपर के साथ निकल ऐड करें तो उसको निकल ब्रोंज कहा जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द अलॉइंग एलिमेंट और अलॉइंग एजेंट, यहाँ पे ब्रोंज के अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग सब टाइप्स हैं ब्रोंज। बेसिकली ब्रोंज किसको बोल रहे हैं, ब्रोंज बोल रहे हैं हम ऐसे मिक्सचर को जिसके अंदर कॉपर के साथ साथ दूसरा अलॉइंग एजेंट या अलॉइंग एलिमेंट ऐड किया जाता है। अब दूसरा एजेंट या दूसरा अलॉइंग एलिमेंट भी क्या होता है, वो आमतौर पर नॉन फेरस मेटल होता है। The principal alloying element determines the nomenclature. Bronzes are used in applications such as bearings, some limited structural applications, decorative uses, and applications which require them not to spark when struck with another metal. This makes them useful in transport and handling of items such as explosives, fuels and flammable materials. Bronzes are often used in statues and can be seen to form the familiar green oxidized coating. The bronze ka istemal statues mein kiya ja raha hai. Ab bronze ke andar jo hai subtypes hain yahan par, subtypes या उसका जो क्लासिफिकेशन है ब्रोंज का, वो डिपेंड करता है कौन सा अलॉइंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना प्रोपोर्शन में या कितनी क्वांटिटी में उसको यूज कर रहे हैं। अगर एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्यूमिनियम ब्रोंज। अगर टिन का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे टिन ब्रोंज। इसी तरीके से दूसरे भी जो एलिमेंट है, जैसा फॉस्फोरस हो गया, निकल हो गया, सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वैनेडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो जो भी एजेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने प्रोपोर्शन में, अगर वो डोमिनेंट प्रोपोर्शन में तो उसका नाम उसको दिया जाए।
अब कहाँ पे इस्तेमाल होता है ब्रोंज? ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन और किस चीज की हैंडलिंग करने के लिए? एक्सप्लोजिव्स को, फ्यूल्स को और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसा अभी बोईसर में आमतौर पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इनफ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील जिसको कहा जाता है। बहुत थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर उसमें बढ़ जाता है, छोटा सा भी अगर टेम्परेचर रेंज उसमें बढ़ जाएगा, तो वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, इग्नाइट हो जाएंगे, बर्न होने लगे। उसको कहा जाता है हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। तो उनके कंटेनर्स बनाने में ब्रोंज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही अगर इसका प्रीशियसनेस अगर हम देखते हैं तो कितना प्रीशियस है ब्रोंज। तो यहाँ पे कोई भी विनर जो आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट वाले को क्या देते हैं? गोल्ड मेडल। सेकंड वाले को क्या देते हैं? सिल्वर मेडल। और थर्ड वाले को क्या देते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। तो प्रीशियसनेस की अगर हम बात करेंगे या इसका इम्पोर्टेंस अगर देखेंगे या कितना एक्सपेंसिव है, इसका कॉस्ट अगर हम देखते हैं, तो इट स्टैंड्स थर्ड आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर। तो हाई डिमांडिंग है ये, एक्सपेंसिव है, बोलने का मतलब मेरा क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, और जिसकी वजह से ये लिमिटेड जगहों पे ही इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। देन नेक्स्ट एजेंट इज मैग्नीशियम। हमारा जो अगला टाइप है नॉन फेरस मटेरियल का, वो है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज अ लाइट मटेरियल, लाइटर देन अल्यूमिनियम, derived primarily from seawater. Magnesium is a very active metal and when burned gives off an intense heat and light. It is used as an alloying element in steel and in application which require high strength to weight ratio, such as extension ladders, aircrafts, space vehicles, power tools and similar applications. तो basically जो magnesium है ये explosives बनाने के लिए काम में आता है। Lightweight होता है अपने nature में। कहाँ से हासिल किया जाता है उसको, कहाँ से लिया जाता है उसको, magnesium कहाँ बनता है या कहाँ से उसको derive किया गया है? तो sea water से, समंदर से, ये सी से। तो जब भी इसको बर्न किया जाता है तो हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो जो भी फायर क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स पटाखे, तो उन फायर क्रैकर्स को बनाने में मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम को अलॉयिंग एलिमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? जहां पे हमको एक्सटेंशन लैडर्स बनाना, लैडर मतलब सीढ़ी। इसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट या फिर स्पेस व्हीकल्स, एविएशन इंडस्ट्रीज के अंदर, पावर टूल्स, टूल्स बनाने में, जैसे ड्रिल बीट हो गया आपका, रिमिंग बीट हो गया आपका, ड्रिमिंग बीट हो गया आपका, नर्लिंग बीट हो गया आपका, तो ये अलग अलग टूल्स बनाने में भी मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नीशियम। देन कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल, दैट इज क्रोमियम। Chromium is often used in decorative and corrosion resistant coatings. तो जो stainless steel की हम लोग बात कर रहे थे ना, stainless steel utensils या ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये stainless steel है, SS है, तो उन जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम को उसके
कंपोजिशन में ऐड कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं उसको। और एक दूसरा जो है ऑप्शन क्या है हमारे पास, दो ऑप्शंस होते हैं अगर आपको करोजन से बचाना है तो उसके लिए दो ऑप्शंस है आपके पास। एक तो ये है कि डायरेक्टली अलॉइंग एलिमेंट्स ही चेंज कर दो, या दूसरा ये है कि जो एजेंट्स है या जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको एज इट इज रहने दो, बस उसके ऊपर एक कोटिंग लेयर चढ़ा दो, उसको कोटिंग कर दो उसके। तो क्रोमियम जो है दोनों जगहों पे काम में आता है, एक तो उसका जो कंपोजिशन है मेटल का जो कंपोजिशन है उसमें डायरेक्टली भी ऐड किया जाता है क्रोमियम को। उसका एग्जांपल यूटेंसिल्स है हमारे, जो आपके किचन में रखे हुए यूटेंसिल्स जो बर्तन है। और दूसरा एग्जांपल है क्रोमियम को प्लेटिंग के थ्रू उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर चढ़ा दो, उसकी कोटिंग कर दो, उसकी एक लेयर लगा दो। अंदर का कंपोजिशन एज इट इज रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक लेयर लग जाएगी। तो उसका एग्जांपल मैंने मॉर्निंग में दिया था कि जो भी टू व्हीलर वगैरह आपके पास घर में अगर कोई रखी भी है तो उसमें जितना भी स्टेनलेस स्टील वाले पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा पुरानी वाली या जूनी वाली अगर कोई गाड़ी रहेगी आपके पास तो उसमें अगर आप थोड़ा सा कीनली उसको ऑब्जर्व करोगे या डीपली उसको अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको वहां से कुछ कुछ हिस्सों में जो है उसका वो निकला हुआ नजर आएगा, कुछ एक पोर्शन निकला हुआ नजर आएगा और नीचे ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। तो स्टेनलेस स्टील की कोटिंग अगर निकल जाती है तो कोटिंग निकलने के बाद जो नीचे का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा वो प्योरली आयरन रहता है, या फिर जिस भी सरफेस के ऊपर कोटिंग की गई वो डायरेक्टली उस सरफेस, वो सरफेस आपको नजर आने लगता है। तो क्रोमियम का जो मेन पर्पज है या मेन रोल है वो इस तरीके का है कि कंपोनेंट को करोजन से या डिस्ट्रक्शन से बचाना, एक किसी भी टाइप के केमिकल रिएक्शन से बचाना। चाहे क्रोमियम को उसके लिए उसके कंपोजिशन में ऐड करना पड़े या फिर कंपोजिशन में ऐड नहीं कर रहे तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लेयर चढ़ाना पड़े, ये दोनों कंडीशंस में क्रोमियम इज अ सूटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन वी हैव। सो द क्रोमियम इज ऑफ्टन यूज्ड इन डेकोरेटिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स। डेकोरेटिव क्यों कहा गया है यहां पर, डेकोरेटिव इसलिए कहा गया है कि कोटिंग करने के बाद कोई भी कंपोनेंट कैसा होता है उसके अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी आएगी, शाइनी सरफेस मिलता है हमको, स्मूथ सरफेस मिलता है, जो जिसके वजह से एस्थेटिक्स जो है ना उसके लुक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जो डेकोरेटिव या फिर जो आर्ट क्राफ्ट होते हैं उसको गुड लुकिंग या फिर अट्रैक्टिव इसीलिए बनाया जाता है कि उसका जो है सबका ध्यान अपनी तरफ, वो सबको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। आर्टिकल्स जो होते हैं ना डेकोरेटिव आर्टिकल्स, उनका मेन रीजन यही है कि अट्रैक्टिव नजर आए, वो अच्छा नजर आए, खूबसूरत नजर आए। तो एस्थेटिक्स, इसको टेक्निकल टर्म में अगर हम बोलेंगे इसको कहा जाता है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होता है, उन पीसेस का सरफेस को स्मूथ बनाना होता है, शाइनी बनाना होता है या लस्टरस बनाना होता है। सो क्रोमियम इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच वी हैव फॉर इम्प्रूविंग द एस्थेटिक्स ऑफ द मटेरियल और सरफेस ऑफ द मटेरियल। इट इज अ मेजर अलॉइंग एलिमेंट इन मेनी स्टील्स स्पेशली स्टेनलेस स्टील्स। तो क्रोमियम को किसमें ऐड किया जाता है, स्टील के अंदर, और क्रोमियम के साथ साथ अगर हम निकल भी ऐड करें तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है जो जिसके यूटेंसिल्स बनते हैं। तो उसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो एसएस बनाने के लिए एज अ इंग्रेडिएंट, एज अ कंपोजिशन मटेरियल क्रोमियम को इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमियम। एज वेल एज क्रोमियम इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ टफ वियर रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड डेकोरेटिव सरफेस। अब वियर कब होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वियर कब होगा, जब भी दो मटेरियल्स एक दूसरे के साथ या दो मटेरियल के सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से अगर पार्टिकल्स रिमूव होने लगते हैं दोनों सर्फेसेस से तो उसको कहा जाएगा वेयर एंड टियर हो रहा है दोनों सर्फेसेस का। अगर दो स्मूथ सर्फेसेस है आपके पास, एकदम प्लेन सर्फेसेस है आपके पास,
तो वहां पे जो वियर एंड टीयर का रेट होगा वो बहुत स्लो रहेगा, धीरे धीरे धीमे धीमे होगा वियर एंड टीयर। क्यों धीमे धीमे होगा? क्योंकि दोनों सर्फेसेस स्लिप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर से, ज्यादा फ्रिक्शन होगा ही नहीं वहां पर। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से है, आपके दोनों हाथ ले लो, आप दोनों पाम्स, हथेली जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों पाम को एक दूसरे के साथ जो है अगर आप फ्रिक्शन करवाते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ समय बाद जो है आपका हाथ गर्म होने लगेगा, पाम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। वही अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों पाम्स को मेरे पहले मैं धो लेता हूँ, मेरे हैंड्स को जो है वॉश कर लेता हूँ मैं पहले, और उन्हीं गीले हाथों से अगर मैं जो है फिर फ्रिक्शन करने की कोशिश करता हूँ, तो उस टाइम पे जो है फ्रिक्शन कम होगा या कम गर्म होंगे मेरे पाम्स, मेरे हाथ जो है कम गर्म होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जो वाटर आ गया ना बीच में, दोनों हाथ के जो बीच में वाटर का सरफेस जो आ गया, वाटर का जो एक लेयर आ गया, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया। तो सेम चीज जो है क्रोमियम अगर हम ऐड करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे भी एक्ट होती है। क्रोमियम क्या करता है, मटेरियल के सरफेस को स्मूथ बना देता है, और स्मूथ बन जाने की वजह से वहां पर जो फ्रिक्शनल रेशियो है, फ्रिक्शन की जो स्पीड थी या प्रोपोर्शन था, वो धीरे हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। Then come to the next type of alloying element, that is nickel. Nickel is used as a plating material. Purely अगर हम nickel add कर रहे हैं तो as a plating agent, ये plating material इसको इस्तेमाल किया जाता है। Electroplating, plating करने के लिए जो method है हमारे पास वो है electroplating को prefer किया जाता है, जिसमें anode और cathode दो चीजें रहती है। ये आप लोगों ने जो है chemistry में पढ़ा होगा electroplating, first year से आने वाले लोग, और जो लोग डायरेक्ट सेकेंडरी से आए वो लोग ट्वेल्थ में पढ़कर आए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो नहीं देखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं या उस मटेरियल में किस टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द निकल इज यूज्ड एज अ प्लेटिंग मटेरियल, इट पॉलिशेस टू अ हाई लस्टर, it offers a wide working temperature range, it is also used as an alloying element for other materials such as steels and bronzes. Nickel is also used in magnets, heating elements, thermocouples and rechargeable batteries. Nickel and nickel silver are used in jewelry and coins. So this is all about the nickel. So nickel ko jo hai, किसी भी मटेरियल का सरफेस अगर हमको उसकी सरफेस को इन्हेंस करना है, स्मूथ बनाना है, तो वहाँ पे निकल तो उसके अंदर ऐड किया जाता है या उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है एटलीस्ट। और ये जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना आसान नहीं है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए निकल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने का काम करता है निकल। Then come to the next type of non-ferrous metals. और ये जितने भी non-ferrous metals अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इनको precious metals भी कहा जाता है। Precious means what? कीमती, important, important metals. So gold, silver and platinum. These are generally termed as precious metals or due to their cost or value and use in coinage and jewelry. For example, the $20 gold price at one time
contained $20 worth of gold. Today, coins are used to represent the face value and are made from less expensive materials. अब ये पॉइंट को समझने के लिए हमको करेंसी नोट्स को देखना पड़ेगा। ये पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है जो ऑथर है, उसका इंटेंशन या वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एंशियंट इराज में या पुराने वक्त में, पुराने काल में, भूतकाल में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती थी वो गोल्ड के कॉइन्स का इस्तेमाल किया था एज अ करेंसी, और उसमें भी जो है अलग अलग जो है कॉइन्स आया करते थे। उसमें अगर देखते हैं हम तो अशरफी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था, जिस तरीके से आज हम लोग यूज़ करते हैं ना रुपीज़, एक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं रुपीज़, और उस रुपीज़ के अंदर भी अगर हम कॉइन्स देखेंगे तो आपको 1 रुपी का भी कॉइन मिलेगा, 2 रुपीज़ का भी कॉइन मिलेगा, 5 रुपीज़ का कॉइन मिलेगा और 10 रुपीज़ का कॉइन मिलेगा। लेकिन पुराने जमाने में जब गोल्ड के कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था और वो एक गोल्ड की कॉइन मान लीजिए वो 5 रुपीज की है, तो 5 रुपीज का गोल्ड उस कॉइन में होता था और डायरेक्टली करेंसी को एक्सचेंज किया जाता था। बट नाउडेज व्हाट वी आर डूइंग, अभी 100 रुपीज की नोट है हमारे पास, है ना, तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज है क्या? नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो नोट आप लोग एक्सचेंज करते हैं, जो करेंसी आप लोग एक्सचेंज करते हैं, अगर वो 500 रुपीज की नोट है, 10 रुपीज की नोट है, 20 रुपीज की नोट है, 50 रुपीज की नोट है या 2000 रुपीज की नोट है, उसकी वैल्यू जो है उतनी नहीं है। अब उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर जो प्रिंटेड अमाउंट है वो प्रिंटेड अमाउंट की गारंटी कोई ले रहा है यहाँ पर, कौन ले रहा है ये गारंटी? ले रहा है गवर्नर, गवर्नर, राइट, वेरी गुड, आरबीआई ले रहा है। और अगर आप करेंसी नोट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, या ये 100 रुपीज की नोट के ऊपर ऐसा लिख रहा है। अगर आप 500 रुपीज की नोट देखोगे तो उस पर लिखा हुआ रहेगा आई प्रोमिस टू द पे the bearer the sum of 500 rupees, 2000 rupees ki note ke upar aisa likha hua rahega I promise to pay the bearer the sum of 2000 rupees. To ye jo guarantee hai aage wale ko jab hum ye kagaz de rahe hai na, ye paper de rahe hai na, note kya hai, paper hai, to jab paper hum log de rahe hai to aage wala believe kiske upar kar raha hai, believe kar raha hai governor ke upar, क्योंकि गवर्नर इस चीज की गारंटी ले रहा है कि अगर आप ये पेपर आरबीआई को लाकर दोगे तो उसके बदले आपको वो 100 रुपीज, 500 रुपीज या फिर 2000 रुपीज की इक्विवेलेंट कोई ना कोई चीज देगा। तो ये क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ पेपर है। तो जितनी चीज हम ट्रांजैक्ट करते हैं ना दिन में, मान लीजिए 100 रुपये का कुछ लेते देते हैं हम लोग, 500 रुपये का कुछ लेते देते हैं या 1000 रुपये का कुछ लेते देते हैं, तो जस्ट वी आर एक्सचेंजिंग द पेपर्स, पीस ऑफ पेपर्स, और ये पीस ऑफ पेपर की गारंटी ले रहा है गवर्नर। अब इंडिया के अंदर जो है आरबीआई है, इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज के अंदर दूसरे जो है उसके गवर्निंग अथॉरिटीज रहेंगे या उनके फेडरल बैंक्स रहेंगे। पहले कैसा होता था, पहले ऐसा होता था अगर आपको 10 रुपीज देना है तो आपको 10 रुपी के इक्विवेलेंट अमाउंट का जो है एक क्वाइन बना हुआ रहता था गोल्ड का, उसके अंदर कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, उसके अंदर बस दो लोगों में काम हो जाएगा, देने वाला और लेने वाला, किसी को कोई चीज देनी है, मान लीजिए किसी को क्या लेना है, व्हीट लेना है या राइस लेना है, कितने का लेना है, 5 रुपीज के लेना है, वो क्या करता था 5 रुपीज का जो है वहां पे एक क्वाइन बना हुआ रहता था गोल्ड का बना, तो डायरेक्टली वो 5 रुपीज का गोल्ड का कॉइन उसको देता था और 5 रुपीज के जो है वीट या राइस जो भी लेना है वो ले लेता। तो इसके अंदर कोई आरबीआई या किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था वहां। बट अभी क्या किया है, इसको रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि कितना करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन किसको कितना दे रहा है, किसका इनकम कितना हो रहा है, इनकम के हिसाब से टैक्स उसको चार्ज करना पड़ेगा ना फिर,
तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को गवर्न करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए फिर ये करेंसी नोट्स का जो है इन्वेंशन हुआ। बट पुराने जो ईरा था, जो राजा महाराजा लोगों का ईरा था, उस ईरा के अंदर रादर देन यूजिंग दिस करेंसी नोट्स, व्हाट दे हैड यूज्ड गोल्ड कॉइन्स। अभी समझ में आया गोल्ड कॉइन्स का कैसे इस्तेमाल हुआ करता था। सो टुडे, अभी आजकल भी हम कॉइन यूज करते हैं, है ना। आज भी हमारे पास 1 रुपी का कॉइन है। इंडियन करेंसी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 1 रुपी का भी कॉइन है, 2 रुपीज का भी कॉइन है, 5 रुपीज का भी कॉइन है और 10 रुपीज का भी कॉइन। बट अगर हम उस कॉइन को अनलिंक करते हैं, आरबीआई से अनलिंक कर देंगे, आरबीआई का रोल वहां से खत्म कर देंगे, तो उस कॉइन की वैल्यू है क्या उतनी? नहीं है। कोई गारंटी लेगा क्या कि भाई वो कॉइन अगर हम किसी को ले जाके देते हैं, किसी पर्सन को ले जाके देते हैं, किसी इंडिविजुअल को ले जाकर देते हैं, तो कोई गारंटी देगा कि 5 रुपीज का कॉइन देने के बाद वो 5 रुपीज के बदले में कुछ एसेट देगा 5 रुपीज का, या 10 रुपीज का कॉइन देने के बाद 10 रुपीज का कोई एसेट? तो ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? बिकॉज नाउअडेज वी आर यूजिंग द मेटल्स विच आर लेस एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको प्रीशियस क्यों कहा जाता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को प्रीशियस क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर। दीज आर अवेलेबल इन द नेचर इन द लिमिटेड क्वांटिटीज, सबसे पहली चीज। दूसरा, पब्लिक के अंदर डिमांड ज्यादा है और उसके हिसाब से वो नेचर में है ही नहीं, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे उसका रेट बढ़ गया। दूसरा, इससे पहले और दिखने में भी जो है लश्चरस है, अट्रैक्टिव है, एस्थेटिक्स भी इस पे अच्छे होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम शाइन करता है, लश्चरस होता है, अट्रैक्टिव नजर आता है। जैसा अभी डायमंड है, डायमंड को क्यों प्रीशियस क्यों बोलते हैं हम लोग डायमंड को? डायमंड हालांकि एक मेटल नहीं है बट उसको प्रीशियस क्यों बोल रहे हैं? स्टोन है वो, बिकॉज वो शाइन ही है, अट्रैक्टिव है, दिखने में उसके एस्थेटिक्स अच्छे हैं। तो उसी तरीके से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के भी एस्थेटिक्स जो है वो अच्छे होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रीशियस मेटल्स। तो इन प्रीशियस मेटल्स की प्लेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था। प्लेटिंग, जैसा मैंने आपको सुबह में दिखाया था कि सर्किट बोर्ड जो होते हैं ना, जहाँ पे आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है, या फिर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वहां से कभी ट्रांसमिट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, या कोई लैक्यूना या कोई जो है लूप होल वहां पे कोई ना छूटे, 100% वहां से जितना भी डेटा आ रहा है, जो भी सिग्नल आ रहा है, पूरे के पूरे सिग्नल आगे फॉरवर्ड हो, आगे वाले कंपोनेंट को फॉरवर्ड हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे? रादर देन यूजिंग द एल्यूमिनियम वी विल गो फॉर गोल्ड, बिकॉज गोल्ड हैव मोर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी देन एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी वजह से जो मदरबोर्ड्स आते हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ प्लेटिंग करने के लिए भी, अभी जैसे अगर आप लोगों ने कुछ एक्सपेंसिव वाली स्वीट्स देखी होंगी ना, स्वीट्स मिठाई, तो उसके ऊपर भी रैप करके देते हैं गोल्ड पेपर को, उसके ऊपर रैप करके देते हैं सिल्वर पेपर को, तो ये जो है ना उसके एस्थेटिक्स को, ये प्लेटिंग है। क्या कर रहे हैं? उसकी प्लेटिंग कर रहे हो आप, तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट, डक्टाइल और मैलेबल होते हैं गोल्ड, सिल्वर, गुड कंडक्टिविटी होती है अगेन उनके ऊपर, कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। गोल्ड और सिल्वर अगर प्योर फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको तो प्योर फॉर्म में इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक ऑर्नामेंट्स बनाना या ज्वेलरीज बनाना प्योरेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई इसके अंदर गोल्ड के अंदर क्या करते हैं, कॉपर को ऐड किया जाता है, और फिर उसकी प्योरिटी को जांचने के लिए, परखने के लिए वहां पर जो अलग अलग चीजें देखी जाती है वो क्या है, उसका कैरेट, कैरेट्स, गोल्ड कैरेट्स बोलते हैं ना हम लोग, कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, ये जो है ना, ये कैरेट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रोपोर्शन में ऐड किया गया है। ना चाहते हुए भी हमको उसके अंदर दूसरी चीज को ऐड करना, दूसरे एलिमेंट को ऐड करना जरूरी है, बिकॉज गोल्ड जो होता है प्योर फॉर्म में बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, तो उसके अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट मतलब क्या है, इसमें जो मेजरली इस्तेमाल होने वाला है वो कॉपर है। तो इसमें देखो अलग अलग कैटेगरीज हैं, 6 कैरेट है इसमें, 8 कैरेट है,
9 carat 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22 and 24 carat. 24 carat is considered as the most purest form of the jewelry or gold. जिसमें भी 100% गोल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अभी 22 कैरेट भी आता है उसमें, 21 कैरेट भी आता है। तो इसमें देखो, अगर पार्ट्स अगर हम देखते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर आर टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड इन प्योर फॉर्म एंड आर ऑफ्टन अलॉयड विथ कॉपर, निकल और प्लैटिनम टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन यूज्ड फॉर डेंटल कैप्स, क्राउन्स एंड फिलिंग्स। तो गोल्ड और सिल्वर का जो है, कुछ लोगों के दांत अगर टूट जाते हैं तो वो कैल्शियम के आमतौर पे दांत होते हैं, बोन्स और जो हमारे टीथ हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। तो अगर किसी का टूट जाता है तो वो गोल्ड और सिल्वर के जो है दांत लगवा लेते हैं। तो वहाँ पे भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, वो एक एप्लीकेशन है इसका। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल इज सिल्वर। Silver also finds application in photographic films and papers. At one time, it was used to plate mirrors. It is now used in manufacturing of photochromatic lenses. Photochromatic lenses darkens when exposed to ultraviolet light. तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक जो ऑप्टिक्स होते हैं, और ऑप्टिक्स मतलब चश्मे जो होते हैं ना, ऑप्टिक्स, वो धूप में जाने के बाद काले हो जाते हैं और छांव में जब आ जाते हैं तो वो प्लेन हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम फोटोक्रोमैटिक। तो फोटोक्रोमैटिक लेंसेज जो होते हैं वो बनाने के लिए सिल्वर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। सिल्वर इज ऑल्सो यूज इन ब्रेजिंग ऑफ अलॉयज एंड फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ बैटरीज। बैटरीज के अंदर भी इसको ऐड किया जाता है, सिल्वर को। तो जो एमेरॉन के जो बैटरीज आते हैं ना, एमेरॉन का अगर आप लोगों ने एड देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, तो उसमें वो बोलता है कि इसके अंदर सिल्वर एड है। तो सिल्वर एड क्यों किया जाता है, लीड होता है आमतौर पे बैटरीज के अंदर, लीड होता है। तो लीड के साथ सिल्वर को ऐड क्यों किया जाता है, ताकि बैटरी की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। तो हमारे जो स्मार्टफोन्स है, इन सब स्मार्टफोन्स के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल हो रही है उसमें भी एक अच्छे प्रोपोर्शन में या अच्छे परसेंटेज में सिल्वर को ऐड किया गया है बैटरीज के अंदर। इसका जो साइकिल टाइम है ना, वो साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाते हैं। साइकिल्स किसको बोलते हैं बैटरी की लैंग्वेज में, आप कितने मर्तबा फोन को फुल चार्ज करके डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। तो कुछ बैटरीज की जो लाइफ होती है वो 5000 साइकिल्स की होती है, कुछ बैटरीज की लाइफ जो होती है वो 10000 साइकिल्स की होती है, कुछ बैटरीज की जो लाइफ होती है वो 20000 साइकिल्स की होती है। तो अगर आप उसमें सिल्वर ऐड करते हैं तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सिल्वर फुलफिल फुलमिनेट, सिल्वर फुलमिनेट इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। सिल्वर एंड सिल्वर कंपाउंड्स आर फाउंड इन मेनी क्रीम्स, ऑइंटमेंट एंड स्लेव्स यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस। सिल्वर आयोडाइड हैज बीन यूज्ड टू सीड क्लाउड्स टू मेक रेन। आप लोगों ने सुना होगा कि केमिकल छिड़क कर जो है, केमिकल का स्प्रिंकलिंग कर बारिश करवाई गई है, आर्टिफिशियल रेन करवाई गई है। तो क्लाउड्स के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल प्लेन की मदद से क्लाउड्स के ऊपर उसको स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से वो सैचुरेशन टेम्परेचर तक रीच कर जाता है, जिसकी वजह से रेन हो जाती है। तो वहाँ पे भी सिल्वर का यूज हो गया। ऑइंटमेंट क्रीम्स, अगर किसी का जो है कोई बॉडी पार्ट जल गया है या कट गया है, तो उन जगहों पे जो क्रीम्स लगाई जाती है उसको कहा जाता है ऑइंटमेंट क्रीम्स। ये आमतौर पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो स्किन वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, तो वो लोग आमतौर पे इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उन ऑइंटमेंट्स के अंदर भी जो है सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसी के साथ साथ एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी जो है सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर फुलमिनेट नाम का जो कंपाउंड है वो एक्सप्लोजिव्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिल्वर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल इज प्लैटिनम। अब प्लैटिनम जो है और एक प्रीशियस मेटल है जो आजकल बहुत ज़्यादा
डिमांड में है, जिसने दोनों को पीछे छोड़ दिया है, गोल्ड को और सिल्वर दोनों को क्या कर दिया है इसने, पीछे छोड़ दिया है। अगर मैं कंपैरिजन आपको बताऊं तो प्लैटिनम भी एक प्रीशियस मेटल है, इसके भी ऑर्नामेंट्स आते हैं, इसके भी जो है रिंग्स वगैरह आते हैं, ज्वेलरीज आती हैं इसके भी। अगर आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है प्लैटिनम के बने हुए ज्वेलरीज का। तो प्लैटिनम इज फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम निकल ओर्स, इरिडियम, ओस्मियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम एंड प्लैटिनम। तो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स विच इज बीन एक्सट्रैक्टेड और फाउंड इन द निकल ओर्स। निकल की खदान जहाँ पे भी रहेगी वहां से हमको इरिडियम भी मिलेगा, सोमियम भी, ओस्मियम भी मिलेगा, पैराडियम भी मिलेगा और रोडियम भी मिलेगा, रुथेनियम भी मिलेगा और प्लैटिनम भी मिलेगा। प्लैटिनम हैज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस। इट इज यूज्ड इन कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स एज अ कैटलिस्ट फॉर केमिकल रिएक्शंस, हाई रेजिस्टेंस फर्नेस फायर्स एंड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ प्लैटिनम इज यूज्ड इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट, medical instruments and fine jewelry. Platinum is more expensive per pound than gold. But अभी की अगर हम बात करते हैं तो recent अगर मैंने अभी चेक किया है तो platinum का जो rate चल रहा है अभी वो कम चल रहा है gold के comparative में। Next जो देखते हैं हम लोग वो है refractory metals. These metals have melting temperatures above 3600 degree Fahrenheit or 2000 degree Celsius. तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो होता है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, बट रिफ्रैक्टरी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही रहेगा। सम ऑफ दिस अप्रोचेस 6200 डिग्री फारेनहाइट, दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। दे इंक्लूड सच मेटल्स एज इरिडियम, ओस्मियम एंड रुथेनियम in addition to chromium, columbium, hafnium, molybdenum, niobium, rhenium, tantalum, tungsten and vanadium. ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम गिनवाए हैं इन सब का जो melting point temperature होता है वो high रहता है as compared with the steel और iron. और इसमें से जो एक एग्जांपल है टंगस्टन वाला, तो टंगस्टन वाला एग्जांपल तो हमने पहले भी देख लिया था कि जो पुराने वाले बल्ब आया करते थे उसके अंदर जो वायर लगा हुआ होता है, जो मेटल लगा हुआ होता था, जिस मेटल का वायर लगा होता था वो टंगस्टन का हुआ करता था और वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर को वो आसानी से रेजिस्ट कर पा जाता था टंगस्टन का वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी दूसरे टाइप्स हैं मेटल्स के, नॉन फेरस मेटल्स के, जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रेजिस्ट कर पाते हैं या मेल्ट नहीं होते हैं, या जिनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। दे फाइंड एप्लीकेशंस ओवर हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल फर्नेस कंपोनेंट्स, हाई स्पीड टूल्स, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, aircraft components and space vehicle shields. These metals also find applications in electric devices such as capacitors and rectifiers. So aisi sari jagah jahan par bahut high temperature produce ho jata hai, jaisa for example furnace, aircraft ke andar ki baat karte hain hum log, jahan pe thrusting hoti hai, thrusting kahan pe hoti hai, jahan pe aapko aag nazar aati hai na piche wale hisse mein, अगर आपने फाइटर जेट देखा होगा तो जहां पे इंजन का बैक साइड वाला होता है, जहां पे थर्स्टिंग होती है, उस हिस्से में, उस पार्ट को बनाने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टरी मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ स्पेस व्हीकल्स, जो स्पेस शटल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनके आउटर सर्फेसिस को बनाने के लिए, उनके बॉडीज को बनाने के लिए रिफ्रैक्टरी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ओवंस वगैरह जहां पे हाई टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस हो जाता है, हाई स्पीड टूल्स
जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस, क्योंकि टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है बहुत हाई टेम्परेचर जोन का, जैसा फॉर एग्जाम्पल फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना, तो वो मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस ही मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या ऐसे मटेरियल का चयन करना पड़ेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर बना हुआ है उससे ज़्यादा वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पा सकता है। ऐसे मटेरियल के बने हुए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देन टाइटेनियम, टाइटेनियम इज अ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेटल फॉर द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिफिशियल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट्स। टाइटेनियम इज ऑल्सो यूज एज पिगमेंट इन पेंट। टाइटेनियम क्या है, लाइट वेट है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। जहां पे भी हमको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ऐसे पार्ट्स जहां पे स्ट्रेंथ हमारा मेजर फैक्टर है, जिस पार्ट के अंदर हमको स्ट्रेंथ चाहिए उन पार्ट्स को बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्रीज में, मान लीजिए किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन बिल्कुल भी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और वहां पर रिप्लेस करना है बोन को, तो उन जगहों पर आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्थेटिक्स जिसको कहते हैं, प्रोस्थेटिक्स बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। देन व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल में क्या क्या आ गया आपका, लीड, टीन एंड जिंक। तो व्हाइट मेटल्स इंक्लूड एंटीमनी, बिस्मिथ, कैडमियम, लीड, टीन एंड जिंक, जिनका अपीयरेंस जो होता है ना व्हाइट शेड वाला होता है, व्हाइटिश शेड का, उनको हम बोल रहे हैं व्हाइट मेटल्स। तो लीड भी थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश शेड देता है आपको, टीन भी थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश शेड देता है, और जिंक भी देता है। लीड, टीन एंड जिंक आर प्राइमरी इंटरेस्ट। लीड हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर प्लम्बिंग एंड प्लम्बिंग रिलेटेड यूजेस, सच एज शोल्डर्स, पाइप एंड फिटिंग्स। इट इज इजीली फॉर्म्ड विथ लो हीट, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड डक्टाइल। One primary use of lead in the past was a pigment in lead-based paints. Another prior use for lead was an octane booster in gasoline and tetraethylene lead. Modern paints and fuels do not contain lead. Lead has been identified as a health hazard and found to be toxic to animals and humans. Lead is used in storage batteries where the battery plate contains high percentage of lead. Due to its high density, it is also used as radiation shielding. So basically yahan pe lead ke bare mein baat ki gayi hai। लीड के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि पहले जमाने में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और इसके यूज को कम क्यों किया गया है, मिनिमाइज क्यों किया गया है। तो पहले जमाने में या लास्ट डिकेड के अंदर लीड का जो यूज था वो प्लम्बिंग या प्लम्बिंग के कंपोनेंट्स, पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल उसका ज्यादा हुआ करता, शोल्डर्स, पाइप्स और फिटिंग्स वगैरह बनाने। उसी के साथ साथ लीड का जो है पेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि लीड जो है ना हेल्थ हजार्डस, घातक जिसको बोलते हैं ना हम लोग, हजार्डस, तो इसका कंजम्पशन जो है ह्यूमंस के लिए हजार्डस है या डेंजर है।
तो अगर आपने कहीं पे देखा होगा, पहले जो बैटरीज आया करती थी वो ब्लैक कलर वाली, ब्लैक कंटेनर वाली बैटरीज आया करती थी, बट नाउडेज जो भी बैटरीज आपको नजर आ रही है सबके सब व्हाइट कंटेनर वाली है। तो अभी कलर का जो है ना, कलर कोडिंग जो है या फिर कंटेनर का बहुत अंदर के चीजों के साथ लेना देना है, डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्लैक कंटेनर वाले जो बैटरीज आया करते थे पुराने वाले, उनकी लाइफ कम हुआ करती थी, उसमें लीड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और वो एसिडिक होते थे, उसमें एसिड डालना पड़ता था टाइम टाइम, जो हेल्थ के लिए हजार्डस हुआ करती। बट नाउडेज जो बैटरीज हमको देखने को मिलती है वो व्हाइट कंटेनर वाली होती है और उसके अंदर जो है एसिड डालने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राई बैटरीज होती है। तो दीज बैटरीज आर लेस हजार्डस और लेस डेंजरस फॉर ह्यूमंस। अब ऐसा नहीं है कि जो हजार्डस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही है, ह्यूमंस के साथ साथ जो एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, उनके लिए भी ये जो है हजार्डस है, उनके लिए भी डेंजरस है। इसी वजह से लीड का जो एप्लीकेशन है, यूज है, उसको कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है या मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हो गया पूरा लीड के बारे में। देन हम देखते हैं अभी टीन के बारे में। तो टीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सोल्डर एंड पीटर, सोल्डरिंग वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज बोथ एन अलॉयिंग एलिमेंट एंड प्लेटिंग मटेरियल। Tin is a major alloy of many copper products. It is used to plate other metals due to its corrosion resistance. Then agar hum zinc ki baat karte hain, so zinc is commonly used as a plating material for steels. This product is termed galvanized steels. It is the familiar grayish coating seen on products such as nails and sheets. It is also used in die casting, such as die casting of children toys, carburetor bodies and pump housings, and as an alloying element in non-ferrous metals. Zinc oxide is used in paint, glass, cement and medicines. So this is all about your white metals, lead, tin and zinc. Today we will stop over here. Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.